This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। मेहरम से महिला हज यात्रियों को सऊदी सरकार ने दी रियायत, मोदी बेवजह ले रहे हैं क्रेडिट, कांग्रेस। मुस्लिम महिलाओं को अकेले हज यात्रा के लिए रियायत देने वाले दावे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि ये नियम बदलने का पर काम सऊदी सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसे धार्मिक मसला बताया गया था। बता दें कि रविवार को प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम में कहा था कि उनकी सरकार ने महरम का नियम खत्म कर दिया है। मोदी बेवजह ले रहे क्रेडिट। कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अहमद ने कहा कि मोदी ने रविवार को मन की बात प्रोग्राम में दावा किया था कि हज पर मुस्लिम महिलाओं को अकेले भेजने का नियम उन्होंने बदलाव किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी ये क्रेडिट लेकर अपने सपोर्टर्स को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये काम सऊदी अरब सरकार ने किया है। मोदी सरकार के आने वाले पहले भारतीय महिलाएं देश बाहर या भीतर अकेले आने जाने के लिए आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हज के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो सऊदी अरब उन्हें यात्रा का वीज़ा नहीं मिलेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा था? इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी ने कहा था कि मुस्लिम महिला का महरम के बिना हज जाना पूरी तरह से धार्मिक मसला है। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे आप संसद में पारित कर सकते हैं। उन्होंने कहा 99% महिलाएं और मुस्लिम अपने धर्म को धार्मिक अधिकारियों के कहे मुताबिक मानते हैं, न कि पीएम या कोई और कहे के मुताबिक। क्या कहा था पीएम मोदी ने? मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा था कि अगर कोई मुस्लिम महिला हज यात्रा के लिए जाना चाहती है तो वो महरम या पुरुष अभिभावक के बिना जा सकती है। दशकों से मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था लेकिन कोई चर्चा नहीं थी। यहाँ तक कि कई इस्लामिक देशों में भी इसके नियम नहीं हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम महिलाओं को ये हक हासिल नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में उनकी सरकार ज़रूर कदम उठाए और 70 साल से चल रही इस परंपरा को ख़त्म कर दिया। अब मुस्लिम महिलाएं महरम के बिना हज के लिए जा सकती हैं और लगभग 1300 महिलाएं महरम के बिना हज के लिए अप्लाई कर सकती हैं, हज के जाने के लिए अप्लाई कर चुकी हैं। मोदी ने कहा था कि आमतौर पर हज यात्रियों के लिए लॉटरी सिस्टम है, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय से अकेली महिलाओं को इस प्रोसेस से बाहर रखने को कहा है और स्पेशल कैटेगरी में रखकर प्रायोरिटी देने को कहा है। धन्यवाद।